Commonwealth Games gold medalist from Assam, Nayanmoni Saikia, today arrived in New Delhi from Birmingham. The Assam athlete was part of the four-member team that won gold medal at the lawn ball event. Our colleague Siddhartha Bhattacharya caught up with Nayanmoni upon her arrival in Delhi and got to know about her struggle in winning the much-coveted gold medal. Nayanmoni had to train hard for the tournament while staying away from her child and family. Nayanmoni's accomplishment had brought in laurels to the country and Assam in particular. जिसने जिसने मुझे हेल्प किया है सब को मीन्स मेरी तरफ से एकदम दिल से थैंक यू बोल रहे सबको और भारतवासियों को भी हम थैंक यू बोल रहे सबको क्योंकि सेमीफाइनल खेलने के बाद हम लोग सबको बोला था कि आप लोग हम लोगों के लिए प्रे कीजिए प्यार दीजिए क्योंकि हम लोग ताकि फाइनल में जीत सके क्योंकि इस बार हम लोग का लन बल का हिस्ट्री हो रहे हैं किसी ने फ़ोन किया हम लोगों को बहुत किसी ने कॉल किया कि वाह आप लोगों के लिए हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग इंडिया बसी है बोल के फिर हम लोग तब हम लोगों का मन में और अच्छा लगा और मीन्स उम्मीद जगा क्योंकि हम लोग का हिस्ट्री बढ़ रहा है सिल्वर लेके क्यों हम लोग हिस्ट्री बनाएँ क्योंकि गोल्ड में कोशिश करें तो उस उम्मीद के साथ और हम लोग बढ़ते गया तो सफल भी हुआ और भारतवासियों ने हम लोगों को बहुत प्यार दिया तो इसीलिए शायद सफल भी हुआ है सब के लिए धन्यवाद दिल से इंडिया में हम लोग का नेशनल गेम आ रहे नेशनल गेम के लिए प्रिपरेशन उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वर्ल्ड चैम्पियनशिप हम लोग 2019 में जब एशिया पैसिफिक खेला था तो उस टाइम में हम लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए शायद अगर सिलेक्शन होगा तो उसमें कोशिश करूँगी मेडल लाने के लिए इंडिया के लिए